हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट में जो एरर होते हैं उनके कैलकुलेशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी करा था कि एरर इन मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं उसमें एरर होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स का कॉज क्या क्या है। वो जो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था वो किस वजह से होता है, इस चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा था। और अब इस लेक्चर में हम लोग उस एरर के मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये था कि एरर इज इक्वल टू, ठीक है, एरर इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। तो यहां पर देखिए, ये जो चीज़ है कि अगर हम लोगों ने ट्रू एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दोनों ही सही है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को समझनी है, एरर आप समझ रहे हैं एरर क्या है, जो थोड़ा बहुत जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ लेंथ है इसके पास, और जो भी लेंथ है ये उसका ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू। अब देखिए, ये जो मेजर्ड वैल्यू, अब यहाँ पर दो चीज़ आती है। एक चीज़ ये कि अगर हमें इसका ट्रू वैल्यू, हमें पता है कि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो जब हमें इसके मेज़रमेंट के बारे में पता है, मालूम है, तो हम मेज़र करने क्यों जाएँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम जब इसके ट्रू वैल्यू के बारे में हमको पता है तो हम मेजर क्यों करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हम इसको मेजर करने जाएंगे तो हो सकता है कि हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि हम जब मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट जो होगा, मतलब एग्जैक्ट कहने का मतलब जब हम मेजर करेंगे तो हाँ 10 सेंटीमीटर ही दिखाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपके मेजरमेंट में थोड़ी बहुत कमी कम या बेस हो सकता है, हो सकता है आप इसे 9 पॉइंट समथिंग मेजर करके बताएं या 10 पॉइंट समथिंग मेजर करके बताएं, तो ये जो आपका मेजरमेंट है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कहने का मतलब कि इसके ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकता है, इसके ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट में यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ आते हैं वो ज़्यादा भी आप मेज़र कर सकते हैं और कम भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर एरर निकालना है तो हमें ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए, तो ट्रू वैल्यू तो निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम मेज़र करने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा? अगर इस फॉर्मूला पे हमें काम करना है तो हमें तीन में से कोई दो का पता होना ज़रूरी है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एरर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है। हम मेज़र करके मेजर्ड वैल्यू तो निकाल सकते हैं लेकिन हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो हम एरर कैसे निकालें? तो इस फॉर्मूला में ट्रू वैल्यू पता नहीं है, अगर पता होता तो हम ये काम ही नहीं करते। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो एक स्टेप यूज़ करेंगे वो स्टेप क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मेरे पास कुछ है, कोई स्केल है, ठीक है, और उसका उसकी उसका जो ट्रू वैल्यू है, उसका जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, 100। ठीक है, लेकिन हम उसकी ट्रू वैल्यू है 100, हमें पता नहीं कि वो 100 है, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप करते हैं। कुछ स्टेप में वो स्टेप क्या है, सबसे पहले हम उसके मेज़रमेंट पे काम करते हैं। तो मेज़रमेंट पे जब हम काम करेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट पहले बार मेज़र करा तो 97 आया, दूसरी बार मेज़र करा तो कितना आया, 98, फिर उसके तीसरी बार मेज़र करे तो मिला हमें 103, फिर मेज़र करे तो मिला 102। ठीक है, इस तरीके से हमने चार बार मेज़र करा और चारों बार हमें कम भी मिला है और ज़्यादा भी मिला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, देखिए
7 3 10 10 0 हाथ में रहा 2, 9 2 18 18 2 20 का 0 हाथ में रहा 2, ठीक है 4, ठीक है। और अब हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिला देखिए, 100 मिला। तो हम यहाँ ट्रू वैल्यू पर पहुँच गए। हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं था, लेकिन ट्रू वैल्यू पता करने के लिए हमने एक स्टेप लिया। वो स्टेप क्या था कि मैंने उसी चीज़ को बार बार मेज़र करा, और बार बार मेज़र करने पर जिस हर बार जो जो आता गया हम उसे नोट करते गए, फिर उस चारों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ कर उसका मीन वैल्यू निकाला, ठीक है। मीन वैल्यू मतलब जितने बार मैंने काम कराया उतने टाइम्स को टाइम्स से डिवाइड दे दिए, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के लिए ये प्रोसेस हम एक नया प्रोसेस का इजाद कर दिए कि भाई अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, उस चीज़ को बार बार आप मेज़र करें, और उस बार बार मेज़र करने के बाद जितनी बार आपने मेज़र करा है उसको उससे, ठीक है, जितने टाइम्स आपने मेज़र करा उस टाइम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उस ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को हम अब करेक्ट करके लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसको और हम सुधार कर क्या लिख सकते हैं। तो एरर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये मैंने कैसे करा, इस ट्रू वैल्यू के जगह पर लिख दिया, ठीक है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इतना बात अच्छे से समझ में आया होगा कि कहां से, फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे। देखिए फॉर्मूला था मेरे पास कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होगा, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आपका एरर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, वो एरर ज़्यादा भी हो सकता है, वो एरर कम भी हो, इस वजह से आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है। एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो हम ये प्रोसेस ही क्यों करेंगे, हम मेज़र ही क्यों करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें पता नहीं है उसका ट्रू वैल्यू तो हम एरर कैसे निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने काम करा, क्या काम करा कि ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो उसे बार बार हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। जितनी दफ़ा हम उसे मेज़र करेंगे उस सारे अटेम्प्ट में जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उस सारे को हम नोट करते जाएंगे, नोट करके हम उसे ऐड करेंगे। जितने टाइम्स मैंने उसे ऑब्जर्व करा उस टाइम से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ट्रू वैल्यू के जगह हम लोग क्या फॉर्मूला लिख दिए, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो अब जो मेरे पास फॉर्मूला है वो क्या है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मेजर्ड वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। तो एरर के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल क्या है, देखिए सिंबल ऑफ एरर, एरर का सिंबल क्या होता है, तो डेल्टा, ये है एरर का सिंबल, ठीक है, ये क्या है, एरर का सिंबल। अब देखिए यहां पर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, लेट द ऑब्जर्वेशंस आर मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 कहां तक, An तक, ठीक है, An तक ऑब्जर्वेशन है। तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा A1, इसको भी स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, किसका मीन, A1 A2 मेरा ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीन, तो AM, ठीक है, ए बेस में एम क्या बता रहा है मीन को, इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस
ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन बाई कितनी दफा मैंने करा एन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हर ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, जो मैंने अभी करा है उसे हम यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां जगह है, यहां नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व करा था ट्रू वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू थी 100, पहले मेजरमेंट में 97, फिर 98, फिर 102, फिर 103, ये हमारा चार ऑब्जर्वेशन था जो हम लोगों ने नोट करा, ठीक है। तो अब देखिए इस सा जो मीन निकाले, मीन निकालने के लिए क्या कर रहे थे, इस चारों को जोड़े और चार से डिवाइड कर दिए। यहां भी अगर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है तो सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और इनसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन निकल जाएगा। वो मीन किसका काम करेगा, तो ट्रू वैल्यू का काम करेगा, तो हम उसे ट्रू वैल्यू के पास पुट कर देंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे सब इंडिविजुअल में से पता करना है कि कितना कितना मेरा एरर था, तो अब जो एरर है वो क्या होगा, देखिए अब अगर हम एरर निकालने का काम करें तो एरर निकालने के लिए जब हम काम करेंगे तो देखिए मेरा मेजर्ड वैल्यू कितना है, 97, मेजर्ड वैल्यू है मेरा 97, ठीक है। इसमें से मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया था, यहाँ पर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया था, 400, इसको 4 से डिवाइड करे थे तो 100 आया था। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आया था, 100, तो यहाँ मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था A1, ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। तो अब जो पहले ऑब्जर्वेशन में मैंने कितना एरर करा, तो एरर करा मैंने -3, ठीक है, एरर मैंने कितना करा, -3। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं 102, तो 102 जब लेंगे तो मेजर्ड वैल्यू कितना है, 102, तो 102 माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू कितना है, 100, तो यहां पर मैंने एरर कितना करा, +2, ये मेरा आ गया A3। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसको एक फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए एरर इन डेल्टा क्या दिखाता है एरर को, तो एरर इन A1 इज इक्वल टू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू A1 माइनस AM। ये मैंने एक पैटर्न ले लिया जिस पर ये इक्वेशन लिख रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए देखिए डेल्टा, डेल्टा मतलब एरर इन ऑब्जर्वेशन 2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन। अगर हम इसी तरीके से A3 के लिए लिखें तो A3 माइनस AM डॉट डॉट डॉट। अगर हम AN के लिए लिखें एरर इन AN तो AN माइनस, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार देखिए क्या हमने करा है, क्या मैंने काम करा है। बात यहां शुरू हुई कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो जब ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, पता होगा तो हम मेजर नहीं करेंगे, नहीं पता है तो दो हमें एरर निकालना है, और ये भी नहीं पता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इस ट्रू वैल्यू के लिए हमने एक उपाय निकाला, एक है ना, एक काम निकाला। काम ये है कि हम बार बार उसे मेजर करते जाए, 97, 98, 102, बार बार हम मेजर करते जाए और फिर उसका मीन निकाल लें, तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन तो वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के आसपास हो जाता है, तो ट्रू वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम इतना काम करेंगे तो अब मेरा ये फॉर्मूला कारगर साबित हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कारगर साबित हो गया, अब इससे जब हम लोग आगे पढ़े तो सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा। एरर के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, डेल्टा। अब देखिए जब मेरा ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के पास, जब हम मीन निकाले और वो ट्रू वैल्यू के पास पहुंच गया है, तो जो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन करा था उसमें कितना एरर है, तो एरर का फॉर्मूला मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। तो पहले ऑब्जर्वेशन में मैंने मेजर करा 97, मीन वैल्यू कितना आया 100, तो एरर कितना होगा, मेजर में से मीन घटा दिए -3, तो मैंने ये लिख दिया A1, एरर इन A1। फिर उसी तरीके से देखिए एरर इन A3, A3 में कितना एरर है, तो मेजर्ड वैल्यू A3 का कितना है 102, मीन वैल्यू कितना आया 100, तो 100, तो यहाँ +2, तो एरर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जो ये मैंने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन, ये जो मैंने काम करा है, इसको हम एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा मतलब एरर इन A1 इज इक्वल टू 97 क्या है मेरा, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, तो A1 लिख दिए,
ये क्या है मीन है तो ए एम, डेल्टा ए टू तो ए टू माइनस एम। तो इस तरीके से ये मैंने हर एक के लिए इंडिविजुअली अगर हम एरर निकालना चाहें कि हर ऑब्जर्वेशन में एरर कितना है तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस ये जो मैंने हर क्या किया है, हर इंडिविजुअल के एरर को पता लगाया, तो ये जो काम हम करेंगे या ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में से एरर निकालेंगे। एरर निकालने का तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन में से ये मेजर्ड वैल्यू में से ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर का हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर का हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस है? तो मेजर्ड वैल्यू और मीन, मीन एक्चुअली में क्या है? ट्रू वैल्यू। तो इट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन वैल्यू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, ए के बाद बी नंबर, बी नंबर क्या है? तो देखिए, बी नंबर है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके नाम से ही आप इसके काम को समझ रहे होंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर के मीन को जब हम लोग निकालेंगे तो वो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए एन। तो यहां हम निकाल सकते हैं कि एरर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एरर का फॉर्मूला, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए। ठीक है, एरर का फॉर्मूला, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर में तो ए उसके बाद एम। ठीक है, यहां पर ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सब क्या है? एरर है। तो एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर का मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा मॉडुलस डेल्टा ए वन, फिर मॉडुलस डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक? डेल्टा ए एन, और सारे को डिवाइड कर देंगे कितना से? एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? डेल्टा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकला। तो यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ दें, ठीक है, सबको अगर हम जोड़ दें, ये जो हमारा इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इसी को कहते हैं, डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू के जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, इस दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। और जब हम मीन निकालें एब्सोल्यूट एरर का तो इस सारे एब्सोल्यूट एरर को हम जोड़ देंगे और इन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया है तो इसमें कुछ समझना है। यहां पर हम लोगों ने जो मॉडुलस दे रखा है, डेल्टा ए वन आपको समझ में आ रहा होगा, डेल्टा ए वन क्या है, डेल्टा ए टू क्या है, डेल्टा ए एन क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो मॉडुलस मैंने दिया है ये समझना जरूरी है कि यहां पर इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम एक पार्टिकुलर लें तो डेल्टा किस चीज को दिखा रहा है? एरर को दिखा रहा है, एरर इन ए वन। लेकिन ये जो मॉडुलस है, इस मॉडुलस का क्या मतलब है? यहां पर ये मॉडुलस समझना है कि इस मॉडुलस का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मैंने किसी को कहा कि भाई यहाँ से, जैसे मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर से पटना कितनी दूर है? तो मुजफ्फरपुर से पटना कितनी दूर है, तो मैंने उससे पूछा कितनी दूर है, तो वो शायद वो उसने कहा कि यहाँ से 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर। अब मैंने दो आदमी को भेजा, एक ए है और एक बी है। ठीक है, मैंने उसे भेजा और कहा कि पता करो क्या ये मुजफ्फरपुर से पटना 75 किलोमीटर है। तो ए गया और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 65 किलोमीटर का
ठीक है, पहली बार गया और उसने मेज़र करा और उसको लगा कि नहीं 65 किलोमीटर। फिर वो दूसरे अटेम्प्ट में जाता है और फिर मेज़र करता है कितना, तो कहता है 85 किलोमीटर। ठीक है, बी ऑब्जर्वर जो है मेरा, वो गया और वो मेज़र करता है कि नहीं 73 किलोमीटर है या 87 किलोमीटर। ठीक है, 77 किलोमीटर। अब देखिए, इसने फर्स्ट अटेम्प में है कितना 75 किलोमीटर, ए ने फर्स्ट अटेम्प में कितना एरर करा, -10। ठीक है, सेकंड अटेम्प में कितना एरर करा, +10। तो इसका टोटल एरर कितना हुआ, 0। इसने फर्स्ट अटेम्प में कितना एरर करा, तो -2, सेकंड अटेम्प में +2, तो इसका कितना हुआ, इसका भी 0। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ समझनी है, दो चीज़ में, पहली चीज़ ये है कि इस दोनों ने, दोनों का एरर कितना हो गया, 0। तो आप ये कहेंगे कि हाँ इसका टोटल एरर कितना है, तो आप कहेंगे कि 0 हो गया टोटल एरर, क्योंकि जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव था। ठीक है, तो टोटल एरर कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स क्या कहेगा कि नहीं, यहाँ पर हम ऐसी चीज़ नहीं करने वाले कि आपने अगर 10 अच्छे काम किए हैं और 10 बुरे काम किए हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आप अच्छे आदमी हो गए, ये नहीं है। मतलब ये है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 मिस्टेक करा है और सेकंड में भी 10 मिस्टेक करा है, तो आपने टोटल मिस्टेक कितना करा, 20। ये नहीं कि हाँ माइनस और प्लस कर दिए और कैंसिल हो गया तो आपका मिस्टेक 0, ये वाला कंसेप्ट फिजिक्स में नहीं। उसने टोटल मिस्टेक कितना किया है, 20, क्योंकि हम जो एरर है उसको ऐड करेंगे ना कि उसके साइन के साथ काम करेंगे। तो यहां पर हम इसके साइन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो जब हम इसके साइन को इग्नोर करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करेंगे जिसको कहते हैं मॉडुलस। तो यहां पर जो मॉडुलस दिया गया है वो क्या है, बात समझ में आया कि मॉडुलस बस उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को लिख देना है, उसके साइन को वहीं का वहीं छोड़ देना है, बिना उसके साइन के वहां पर नोट कर देना है। तो इसी चीज को हम लोग, इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या है, वहां पर यह चीज समझ में आया कि जो एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना यह है कि उस एरर में नेगेटिव और पॉजिटिव से हमको कोई मतलब नहीं। टोटल एरर कितना है तो हम सारे एरर को ऐड कर देंगे, ये उसका टोटल एरर हो जाएगा। तो मैंने कहा था इसमें दो चीज़ समझनी है, तो पहली चीज़ यही है कि मॉडुलस क्या है, तो वो साइन से लेना देना नहीं है उसका, इसलिए हम यहाँ पर मॉडुलस यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एरर नेगेटिव होगा तो हम उसका मॉडुलस कहने का मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू, उसमें से माइनस हटाकर उसे यहाँ लिखेंगे, और जो पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, इस वजह से उसमें मॉडुलस दिया गया है। दूसरी चीज़ यह है कि आपसे पूछा जाए कि कौन अच्छा ऑब्जर्वर है, ए अच्छा ऑब्जर्वर है या बी अच्छा ऑब्जर्वर है, तो आप कहेंगे कि ए अच्छा ऑब्जर्वर है, तो फिर यहाँ अगर गलत हो जाएंगे आप। अगर आप कहते हैं बी अच्छा ऑब्जर्वर है तो आप सही हैं। क्यों है, इसका टोटल मिस्टेक देखिए कितना है और इसका टोटल मिस्टेक देखिए कितना है, तो इसके मिस्टेक को जोड़ेंगे तो टोटल मिस्टेक हो जाएगा 4। तो देखिए ये कितना गलती कर रहा है, 4 गलती कर रहा है, ये कितना गलती कर रहा है, 20। तो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट में जो एरर है वो इसके पास है, इसके पास एरर क्या है कम, मतलब कि इसका जवाब जो होगा वो सटीक हो सकता है, ऑलमोस्ट देयर, उसके आसपास का वैल्यू बताएगा, लेकिन इसके मेजरमेंट में वैल्यू आगे पीछे, बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर बी गुड ऑब्जर्वर है और ए बैड ऑब्जर्वर है। तो ये हमारा एरर में जो फॉर्मूलाज है, आगे जब हम, अभी इसमें थोड़ी सी और चीज़ें जो आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आप इसके ऊपर बना सकते हैं इजिली, और मैं बताऊंगा अभी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती, ट्रू वैल्यू पता नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटी है, 3 में से 2 अननोन है, तो हम किसी को भी पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर मैं लेकर आऊँगा उसमें इंशाल्लाह आपका ये पूरा, और उसमें क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा जो मेजरमेंट में जो एरर इन मेजरमेंट है ये आपका 100% ओके हो जाएगा, आप किसी को भी समझा सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर इसके आगे का लेक्चर मैं कल लेकर आऊँगा। और अपना ख्याल रखें और बने रहें मेरे साथ, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और खुदा हाफिज़।